भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ रहा है इसको देखते हुए बहुत सारे उपाय हमने पहले भी लोगों की मदद करने का काम किया है। सकारात्मक रूप से हमने इस अभियान को लिया है। जिस तरह से लोगों में बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है, एक जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं, सावधानी की जरूरत है। और एक काढ़ा जो लगभग हम 10 लाख काढ़ा के पैकेट पूरी दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटे जाएंगे, जिसमें बहुत सारी आयुष मंत्रालय के जो सजेशन है उसके द्वारा जड़ी बूटियों डाल के जो तैयार किया गया औषधियां हैं, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोरोना से बचा जा सकता है। और इसके साथ हम सभी को सैनिटाइजर और फेस मास्क दे रहे हैं। लगभग 15 लाख हम फेस मास्क और 10 लाख सैनिटाइजर भी इसके साथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मानती है इस समय कोरोना संकट जो चल रहा है उससे हम लोगों को सावधान रहकर एक सजग कार्यकर्ता के नाते, नागरिक के नाते हम उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी आप लोगों की और अमित शाह जी गृहमंत्री उनके साथ भी आप लोगों की बातचीत हुई थी, जो निकल कर आया कि हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो इसमें रिपोर्ट ये है कि हम सर्वे जो नॉर्वे देश है वगैरह है वहां पे हमसे कम मरीज हैं, लेकिन उसके बाद भी हमसे 4 गुना टेस्ट ज्यादा करें और हम टेस्ट करने में बहुत पीछे हैं। आपको लगता नहीं कि टेस्ट ना होने की वजह के उसके बावजूद हमारे अंदर दिल्ली के अंदर इतने सारे संक्रमण के केस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो जिस तरह से बातें निकल के आई थी और दिल्ली सरकार पिछले 1-1.5 महीने से जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे उसमें बहुत सारे मसलों पर काम नहीं हो पाया था। जो प्रमुख चीजें निकल के आई, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, और इन तीनों चीजों पर माननीय गृहमंत्री जी केंद्रीय सरकार ने संज्ञान में लेते हुए बहुत सी चीजों में माइक्रो लेवल पर जाकर उनको सही करने का निर्णय लिया है, जिसका असर भी अब दिल्ली में दिखने लगा है। जिस तरह से कल माननीय गृहमंत्री जी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई उसका जो एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम सभी राजनीतिक दलों का ये नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग ग्राउंड पर जाकर लोगों को बताएं डरने की जरूरत नहीं है, मुख्य बात है लोगों का इलाज हो जाए, सही से टेस्टिंग हो जाए। और एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही थी कंटेनमेंट जोन के अंदर लोगों की ट्रेसिंग नहीं हो पा रही थी और मैपिंग नहीं हो रह पा रही थी, अब ये हाउस टू हाउस मैपिंग भी होगी और इलाज में जो जो कमियां सरकारी अस्पतालों में देखी गई उन कमियों को भी माननीय अमित शाह जी ने कहा है वो पूरा किया जाएगा। और चाहे वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या ऑक्सीमीटर हो या किसी भी तरह की कोई कमी, जिस तरह से उन्होंने बेड्स बढ़ाने का फैसला लिया है, चाहे वो रेलवे कोचेज हो उनको बेड्स में तब्दील करने का या फिर हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाने का, ये सब केंद्र सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए मैं मानता हूं कि ये सब बहुत अच्छे सराहनीय पहल है और इससे दिल्ली की जनता में जो भय का वातावरण है वो खत्म होगा और हम लोग इस जागरूकता अभियान से भारतीय जनता पार्टी लोगों के अंदर भय को समाप्त करेंगे।